गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में लट लकार का प्रयोग बताया था, आज हम आपको नपुंसक लिंग में लट लकार का प्रयोग बताएंगे। नपुंसक लिंगम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में फलम पतति, एक फल गिरता है। किम पतति, क्या गिरता है? फलम पतति, फल गिरता है। अब द्विवचन में आप देखिए फले पततः, दो फल गिरते हैं। के पततः, कौन गिरते हैं? फले पततः, फले दो फल गिरते हैं। अब बहुवचन में देखिए आप फलानी पतंती अर्थात बहुत से फल गिरते हैं। कानी पतंती, कौन गिरते हैं? बहुत से फल गिरते हैं, फलानी पतंती। अब फिर देखिए आप जलम प्रवहति, जल पानी बहता है, क्या बहता है? जलम प्रवहति, तत् प्रवहति जलम प्रवहति। अब द्विवचन में देखिए कमले विकसतः, दो कमल खिलते हैं, क्या खिलते हैं? दो कमल खिलते हैं। अब इनको कैसे कहा गया? ते विकसतः, के विकसतः? कमले विकसतः। अब बहुवचन में देखिए आप पुष्पानि विकसन्ति, बहुत से पुष्प खिलते हैं, क्या खिलते हैं? पुष्प खिलते हैं। तानि विकसन्ति, तानि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तानि का प्रयोग पुष्पाणि के लिए किया गया है, यानी पुष्पाणि विकसन्ति। बच्चों अब ये लेसन समाप्त होता है, अब आप आगे इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ पुलिंगम स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। अब आप जैसे देख रहे हैं कि पुलिंग में कौन को क्या कहा जाता है? कह, क्या कहा जाता है? कह। स्त्रीलिंग में उसी कौन को क्या कहा जाता है? का, क्या कहा जाता है? का। और नपुंसक लिंग में कौन कहने के लिए किम शब्द का प्रयोग होता है? अब इसी तरीके से पुल्लिंग में कौन दोनों के लिए कौ शब्द का प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में के का प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में के का प्रयोग होता है। अब इसी तरह है पुल्लिंग में कौन सब के लिए, कौन सब यानी दो से ज्यादा, के शब्द का प्रयोग हुआ। स्त्रीलिंग में कौन सब के लिए का शब्द का प्रयोग हुआ और नपुंसक लिंग में कौन सब के लिए कानी शब्द का प्रयोग हुआ। अब पुल्लिंग में देखिए पुल्लिंग में वह के लिए सह किसका प्रयोग हुआ? सह का। स्त्रीलिंग में वह के लिए सा का प्रयोग हुआ और इसी तरह से नपुंसक लिंग में वह के लिए तत् शब्द का प्रयोग हुआ। अब पुल्लिंग में वे दोनों के लिए तौ शब्द का प्रयोग हुआ, वे दोनों के लिए तौ शब्द का प्रयोग हुआ। स्त्रीलिंग में वे दोनों के लिए ते शब्द का प्रयोग हुआ और इसी तरीके से नपुंसक लिंग में भी वे दोनों के लिए ते शब्द का प्रयोग किया गया। अब फिर देखिए आप पुल्लिंग में वे सब के लिए ते शब्द का प्रयोग हुआ, वे सब के लिए ते शब्द का प्रयोग हुआ पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में वे सब के लिए तह शब्द का प्रयोग हुआ और नपुंसक लिंग में तानी शब्द का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक ही चीज के लिए अलग अलग चीजों का शब्दों का प्रयोग किया गया। इसको आप
बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा और अंतर समझिएगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्या अंतर समझ में आया। और अगली क्लास होने तक आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है, और अगली क्लास होने तक आप इसको याद करके रखिएगा।